100 करोड़ के आभूषणों से राधा कृष्ण का श्रृंगार, हीरा मोती पन्ना मानिक से जड़ित हार, जन्माष्टमी पर जगमग राधा कृष्ण का दरबार। राधा कृष्ण का ये विशेष श्रृंगार और मन को मोह लेने वाला ये रूप साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी पर ही देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त ग्वालियर से फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर पहुंचते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिर में विशेष साज सज्जा तो की ही जाती है, लेकिन आकर्षण का केंद्र होता है करीब 100 करोड़ रुपए के गहनों से होने वाला राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार। हर साल की तरह इस साल भी गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया है। करीब 100 करोड़ के गहने पहने राधा कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और जवानों की तैनाती की गई है, जो हर किसी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सिंधिया रियासत के वक्त से ही मंदिर में जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण के विशेष श्रृंगार की परंपरा है। सियासत के वक्त से ही करीब 100 करोड़ के गहनों से भगवान को सजाया जा रहा है और ये परंपरा आज भी जारी है। वहीं अगर 100 करोड़ रुपए के इन गहनों की बात की जाए तो इनमें सफेद मोती वाला हार लगभग 2.5 लाख का है, 7 लड़ी हार जिसमें 62 असली मोती और 55 पन्ने होंगे करीब 8 से 10 लाख रुपए का है, सोने के तोड़े तथा सोने का मुकुट जो भगवान श्री कृष्ण को पहनाया गया है करीब 20 लाख रुपए का है। इसी तरह से राधा जी का पुखराज और माणिक जड़ित पंख जिसके बीच में पन्ना लगा है और इसका वजन करीब 3 किलो है, इस ऐतिहासिक मुकुट की कीमत 80-90 लाख रुपए है। मुकुट में लगे 16 ग्राम पन्ने की कीमत लगभग 6,46,000 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा राधा कृष्ण के श्रृंगार के लिए लगभग 5.5 लाख के जेवर हैं, जिनमें श्री जी तथा राधा के झुमके, सोने की नथ, कंठी, चूड़ियां, कड़े इत्यादि से भगवान को सजाया, भगवान के भोजन इत्यादि के लिए भी प्राचीन बर्तनों की सफाई कर इस दिन भगवान का भोग लगाया जाएगा। चांदी के इन प्राचीन बर्तनों की कीमत भी करीब 25 लाख रुपए है, जिनमें भगवान की समई, इत्र दान, पिचकारी, धूपदान, चन्नी, साकड़ी, छत्र, मुकुट, गिलास, कटोरी, कुंभकिरणी, निरंजनी आदि शामिल है।